सो ये आप देख पा रहे हो कल का डेटा, कल के हमारे एक 12 रुपये में और एक 23 रुपये में टोटल हमारे पास इतनी लीड्स आई, ठीक है। ये कॉस्ट पर रिजल्ट्स है और टोटल हमने कितना पैसा खर्चा किया वो आपको यहाँ पे देख पा रहे होगे। 200 रुपये में आपको 16 लीड्स मिल पा रही है। पहली एड्स ये है, सेकेंड एड्स में हम चलते हैं। यहाँ पर भी आपको 12 रुपये में 300-250 रुपये खर्चा हुआ है एंड 20 लीड्स आई है। थर्ड एड पे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे 25 लीड्स आई है 12 रुपये में और 300 रुपये खर्चा हुआ है। तो आप देख पा रहे हो कि 200-250-300 रुपये में आपके पास लीड्स आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरजीत और स्वागत है आपके हमारे इस डिजिटल सुरजीत चैनल में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग एफिलेट मार्केटिंग के लिए एड्स चला सकते हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। तो जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो देखा, उसके अंदर मैंने आपको कुछ डेटा दिखाया था जो सिर्फ कल का डेटा था। मैंने आज का डेटा नहीं दिखाया क्योंकि आज जो है अभी 12-1 बज रहे हैं और शाम तक का डेटा क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, तो इसलिए मैंने आपको आज का डेटा नहीं दिखाया, कल का डेटा दिखाया क्योंकि कल टाइम पूरा हो चुका है। तो अगर आप लोगों को भी एड्स बनाने सीखना है तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग एफिलेट मार्केटिंग के लिए एड्स बना सकते हो। एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या रिक्वायरमेंट होती है एड्स बनाने के लिए और किस तरीके से आप इसको स्केल कर सकते हो। एंड एक और मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि अगर आप लोगों के पास पी सी या सिस्टम नहीं है तो आप लोग मोबाइल से यूज़ कर सकते हो। जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो तरीके आप बस यूज़ कर लेना। जैसे कि अगर आप लोगों के पास पी सी या सिस्टम नहीं है तो आप अपने मोबाइल के अंदर गूगल क्रोम में जाना और वहाँ पर सर्च करना फेसबुक एड्स, या फिर आप अपने प्रोफाइल ओपन कर लोगे तो उसके अंदर से भी आपको एड्स मैनेजर का एक ऑप्शन मिल जाएगा। मेन्यू में कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा, उसे आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको देखने वाला है। तो सेम स्ट्रेटजी आप जो है अपने मोबाइल के अंदर यूज़ कर सकते हो। और अगर आप लोगों को मोबाइल से ही एड्स बनाना सीखना है तो फिर उसके लिए आप ऊपर आई बटन में एक लिंक मिल जाएगा जिसे आप देख के सीख सकते हो। तो रिक्वायरमेंट की अगर हम लोग बात करें इसके अंदर, तो हमारे पास रिक्वायरमेंट होगी एक पेज की, क्योंकि बिना पेज के या बिना इंस्टाग्राम अकाउंट के आप जो है फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे एड्स नहीं चला सकते हो। फेसबुक पे एड्स चलाने के लिए आपको पेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आपको पेज बना लेना है, पेज कैसे बनाना है, बिजनेस प्रोफेशनल पेज कैसे बनाना है, ऊपर आई बटन में लिंक है, उसे आप चेकआउट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ कि आप लोगों के पास एक बिजनेस पेज होगा। अब सेकंड चीज़ हमारी रिक्वायरमेंट में है वो है वीडियो या पोस्टर, जो भी चीज़ आप लोगों तक दिखाना चाहते हो जिसे देख के लोग आपकी ऐड के साथ इंटरेक्ट होंगे, जो भी आप उनसे एक्शन करवाना चाहते हो, आप अपने किसी वेबसाइट के लैंडिंग पेज पे लेके जाना चाहते हो या व्हाट्सएप पे या कॉल्स पे आप लेके जाना चाहते हो उसे, या फिर क्या आप उनसे एक्शन करवाना चाहते हो उसके लिए क्या आप उसे दिखा रहे हो, मतलब क्या पोस्टर और क्या वीडियो आप उनको दिखा रहे हो ताकि वो एक्शन ले, तो वो चीज़ें आपने पहले से रख लेना है, ठीक है। सो इसके लिए अगर आप चाहो तो एड्स लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो कि किस तरीके से लोग यूज़ कर रहे हैं और आप उनमें से भी कुछ एक स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हो या कुछ एक तरीके का कॉन्सेप्ट या पोस्टर या वीडियो यूज़ कर सकते हो जैसा आपको चाहिए। बट अब वो आपको खुद बनाना पड़ेगा या आपको खुद एडिट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ें आपने ध्यान रख लेनी है। सो अब हम चलते हैं अपने मेन पॉइंट्स की तरफ और हम लोग सीखेंगे किस तरीके से आप लोग एड्स बना सकते हो। तो एड्स बनाने के लिए आपको अपने फेसबुक अकाउंट के अंदर लॉगिन कर लेना है, सेम ऐसे ही आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर एड्स मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा। अगर यहाँ पर नहीं मिलता है तो सी मोर पर क्लिक करेंगे, देन उसके बाद आपको एड्स मैनेजर का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। या फिर यहाँ पर भी आपको एड्स मैनेजर का ऑप्शन दिख जाएगा। इसको थोड़ा सा क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एड्स मैनेजर का ऑप्शन आपके सामने है। सो अब आप लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर या इसके ऊपर किसी पे भी क्लिक कर लेना है, देन उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाएगा। ये कल हमने एक व्हाट्सएप वाली लीड चलाई थी, कल नहीं चलाया था, ये हमने 5 मार्च को चलाया था, ठीक है। व्हाट्सएप वाली लीड्स अगर हम कल का डेटा देखें तो क्या आया था हमारे पास, 15 लीड्स आई थी और 13 रुपये में 204 रुपये खर्चा हुआ था। तो ये देख रहे हो, ये आपको एक और मैंने दिखा दिया एड्स। तो आप लोगों ने क्या करना है, जब आप इस तरीके से डैशबोर्ड पे आ जाओगे तो आपको यहाँ पे एक क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ से आपने ऑब्जेक्टिव ले लेना है कि आपको एड्स कौन सी चलानी है, ट्रैफिक वाली चलानी है, लीड्स वाली चलानी है, सेल्स वाली चलानी है, ये क्या चलाना है वो आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव ले सकते हो। प्लस इसके अंदर आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं कि आप एक ऑब्जेक्टिव के अंदर किस तरीके से एड्स चला सकते हो या कौन सी एड्स चला सकते हो, ठीक है। तो जैसे अगर मुझे इंस्टाग्राम पे विजिट्स लेके जाने हैं तो मैं ट्रैफिक वाली के अंदर जाके और इंस्टाग्राम प्रोफाइल यूज़ करूँगा। अगर मुझको व्हाट्सअप पे या कॉल पे करवाना है, कुछ करवाना है, तो मैं इसके ऊपर ये एक्शन लूँगा। अगर मेरे को लीड चाहिए तो मैं ये वाली ऐड चलाऊँगा। तो मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ कि आपके पास कोई वेबसाइट वगैरह नहीं है, और अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप ट्रैफिक या सेल्स वाली ऐड चला सकते हो। अगर आपके पास कोई वेबसाइट वगैरह नहीं है तो आप लीड्स वाली एड्स बना लो, यहाँ पे वेबसाइट की जरूरत नहीं होती है। फेसबुक आपको इस तरीके से ऑप्शन दे देता है कि आप लोग जो है फेसबुक का प्लेटफॉर्म यूज़ करके कस्टमर्स का डेटा कलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। एंड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आप देखेंगे कि हर 24 घंटे के अंदर हम जो अपने कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। सो ये हमने लीड्स का एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया और इसके अंदर हम चलते हैं कंटिन्यू पे। अब जो स्ट्रेटजी है, जो मेथड्स मैं आपको बताने वाला हूँ, आप वही फॉलो कर सकते हैं, इससे आपकी एड्स काफ़ी अच्छी बन सकती है। फिर जब हमने वहाँ पे नेक्स्ट क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे मैनुअल लीड कैंपेन का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे टेलर का आ रहा है। तो ये नए फीचर्स है, इसको आप यूज़ मत करना, बाद में जब आप ट्राई करना है तो आप मल्टीपल चीज़ें ट्राई कर सकते हो जिससे कि आपकी एड्स बेटर बन सकती है। तो इसको छोड़ के आप अभी मैनुअल के साथ जाएँ,
इसके अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसको आप चेंज कर सकते हैं, एंड इसके अंदर आपको सारे ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। मैं आपको पहले क्लियर कर दिया मेन पॉइंट। अब यहाँ पे आपको तीन लेवल होते हैं जिसके ऊपर आपको एड्स सेट करना पड़ता है। अगर आप एक भी पॉइंट को मिस करते हैं तो आपकी एड्स नहीं चलेगी, फिर इशू आएगा। तो आप जब भी एड्स बनाएं तो तीनों लेवल को सही से चेक कर लीजिए, एंड आखिरी में आपको ये नेक्स्ट नेक्स्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। कोई भी इशू आएगा तो आपके सामने वहाँ पे डैशबोर्ड में आपको इशू भी दिखा दिया जाएगा कि क्या इशू है या फिर क्या आपने मिस किया है। सो यहाँ पे लीड्स का आपने अगर कोई भी मतलब कितने ऐड चला रहे हो वो सब नाम वगैरह आपको जो भी देना है वो नाम रख सकते हो आप लोग, एंड उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमने फर्स्ट लेवल पे कुछ भी चेंजेस नहीं किया एज यू हैव सीन, राइट। एंड उसके बाद हम इंस्टेंट फॉर्म्स या इंस्टेंट फॉर्म्स एंड मैसेंजर, ये तीन चार ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इसमें से क्या लेना है आपने वो कर सकते हो। मैं अभी इंस्टेंट फॉर्म्स यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरे पास कोई वेबसाइट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपके सामने पेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। अगर आपके पास मल्टीपल पेज है तो यहाँ से पेज सेलेक्ट कर लीजिएगा, फेसबुक पेज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पेज आप चेंज कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे और भी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि नीचे नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आपका बजट का ऑप्शन है, क्या आप डेली बजट रखना चाहते हैं, लोकेशन आप क्या लोकेशन आप ऐड चलाना चाहते हैं, वो सारी लोकेशन आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड एडवांटेज प्लस ऑडियंस के अंदर आप आएंगे तो स्विच टू ओरिजिनल करेंगे तो यहाँ पे आपको फीचर्स दिए जाते हैं जिससे कि आप टारगेट कर पाओगे कि क्या आपके ऑडियंस होगी, क्या उनकी एज होगी, क्या उनका डेमोग्राफिक होगा, लैंग्वेज क्या होगा, इंटरेस्ट क्या होगा, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से डाल सकते हैं। इंटरेस्ट वगैरह भी अगर आपको डालना है, सपोज़ कि मेरे पास मैन शूज़ है, वुमेन शूज़ है, अगर मैं मैन शूज़ को टारगेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं मैन शूज़ लिखूँगा, यहाँ पर शूज़ लिखूँगा और यहाँ से मैं जेंडर मैन कर दूँगा, तो इससे मैं उन्हीं लोगों को टारगेट कर पाऊँगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आता है प्लेसमेंट्स का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ फेसबुक पे ऐड चलाऊँ या मैं इंस्टाग्राम पे ऐड चलाऊँ या फिर मैं मल्टीपल एड्स बना रहा हूँ और मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कैसा और कौन सा कैंपेन अच्छा चल रहा है, सो उसके लिए आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। सो मैं इसको अभी ये वाला रख लेता हूँ, बाकी आपको जब एड्स बनानी है तो उसके अंदर आप मल्टीपल चीज़ों को ट्राई करना पड़ेगा। एंड इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ये हमारा सेकंड लेवल भी डन हो गया। अब हम थर्ड लेवल पे आ गए। थर्ड लेवल पे आने के बाद हमें यहाँ से क्या ऐड चलानी है, सिंगल इमेज है या वीडियो है या क्राउजल है, तो जो भी आपका है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ से आप उसको मीडिया वगैरह ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई दूसरी मीडिया है, कोई और फोटो वगैरह जो आपको ऐड करनी है तो वो आप कर सकते हैं। एंड यहाँ से आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन डालनी है, जो भी आपको रखना है वो रख सकते हैं। एंड यहाँ से आपके पास कॉल टू एक्शन का बटन है कि लोगों को आपका एड्स क्या दिखेगा, यहाँ पे बटन्स आप देख पा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपके हैंड में रहती है। एंड फाइनल यहाँ पे हमारे पास एक लीड फॉर्म का ऑप्शन आता है। अगर आपके पास ये ब्लैंक होगा तो आपने क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करके इसको बना लेना है, ओके। तो इसको बनाना बहुत आसान है, इसके अंदर कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार इसको डुप्लीकेट करके, तो ये कैसे दिखता है। यहाँ पे आपका नाम दे देना है, मोर वॉल्यूम ये सब छोड़ देना, इसके अंदर लिखा हुआ है कि आप इसको क्या करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इंट्रो आपको जो है यहाँ से नेगेटिव कर देना, अदरवाइज जो भी आपको डालना है वो डाल सकते हैं। क्वेश्चंस आपको क्या पूछने हैं, अगर आपको इस तरीके से कुछ अपने कस्टम क्वेश्चन पूछने हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप कस्टम क्वेश्चन बना सकते हैं। अदरवाइज फेसबुक फोन नंबर ईमेल आईडी का आपको फीचर देता है, अगर आपको कुछ और ऐड करना है तो यहाँ से आप इसको क्लिक करके ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर हमारे पास एक प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक आता है, तो यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो यहाँ पे आप अपने जो है फेसबुक पेज का लिंक डाल सकते हैं। एंड फाइनल यहाँ पे आपको जो भी ऑप्शन रखना है वो आप रख के एंड इसके बाद फॉर्म को पब्लिश कर देंगे। जब भी कोई भी इशू होगा इसके अंदर तो ये पब्लिश नहीं होगा, तो ये ध्यान रखिएगा, तो आप जो भी आपके सामने इशू आएगा उसे आप क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। सो इसको मैं अभी कट करता हूँ और ये हमारा कैंपेन बन चुका है। अब यहाँ से हमारे को फाइनली पब्लिश करना है। पब्लिश करने के बाद आपके सामने डिटेल्स के ऑप्शन आएंगे कि आपको बिलिंग डिटेल क्या डालनी है, पेमेंट कैसे डालना है, वो करके आपकी ऐड सक्सेसफुली लाइव हो जाएगी एंड उसके बाद आप कैंपेन बनाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो मैं इसको अभी कट कर देता हूँ क्योंकि मेरे को ये कैंपेन आपको सिर्फ बनाना सिखाना था, मेरे को कैंपेन ये नहीं बनाना था क्योंकि ऑलरेडी ये कैंपेन चल रहा है। जब आपका कैंपेन चलने लग जाएगा तो आपको इस तरीके से डेटा दिख जाएगा। और अगर आप लीड्स वाली ऐड चला रहे हो तो यहाँ पे देखो ऑन फेसबुक लीड्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप तो आप लीड्स को डाउनलोड कर पाएंगे और यहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा कि कितने लीड्स आए। तो अभी तक हमारे इस कैंपेन के अंदर एक भी लीड्स नहीं है क्योंकि हमने ये कैंपेन को पॉज कर रखा है, ये हमने बहुत पहले चलाया था, तो आई थिंक इसके अंदर कुछ डेटा हो सकता है। सो यहाँ पे देखो ये हमारे, हाँ इसको हमने पॉज कर दिया क्योंकि इसके अंदर कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही थी। एंड ऑन फेसबुक लीड्स हमारे पास 22 लीड्स है, हम इसके ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर पाएंगे। सो ये पूरा प्रोसेस था लीड्स को एड्स को बनाना और लीड्स डाउनलोड करना और लीड्स कैसे निकालनी है फेसबुक ऐड से इंस्टाग्राम से, वो सब चीज़ें आप लोगों ने आज की इस वीडियो के अंदर सीखा। सो फ्रेंड्स अब हमारी ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आप लोगों के पास कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ें मिस होती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, आपके हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आप लोगों को इंस्टाग्राम पर ऐड चलाना सीखना है तो ये वाली वीडियो देख सकते हो, अगर आपको पेज बनाना सीखना है तो उसके भी लिंक आपको ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, तो उन्हें आप चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद जय श्री राम।